बहुत गलत हो सकता है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ जिस तरह से आपने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं और स्थिति धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगी, कांग्रेस के हक में होते जाएगी, आप बस इंतजार करिए। अच्छा, हम बस इंतजार करें जी। शुक्रिया आपका ये हमसे बात करने के लिए। रघु जी आप भी बताइए कि जो रुझान अभी तक दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, कंफर्टेबल विन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, कितना गलत हो जाएगा वो? ये पोस्टल बैटल बैलेट का परिणाम दिखा रहे हैं, असली जो काउंटिंग है वो तो अब शुरू हो रही है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, दो घंटे बाद हम बात करते हैं। नहीं, फिर भी क्या लग रहा है, क्या कितनी उम्मीद लग रही है? कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। जिस ढंग की मेहनत की है हमने और जिस ढंग का गुस्सा लोगों में था, उसके परिणाम तो अब आएंगे। ये तो पोस्टल बैलेट है, असली परिणाम तो अभी अब शुरू होगा। चौंकाने वाले मतलब क्या? बिल्कुल एग्जिट पोल्स गलत हो जाएंगे, अर्ली ट्रेंड्स गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। एग्जिट पोल तो पिछली बार भी गलत हुआ था, बीजेपी पिछली बार 150 प्लस बोल रही थी, लेकिन परिणाम तो कुछ और आया, 100 के नीचे चले गए बीजेपी। क्या लगता है, वोट शेयर बढ़ेगा सर, सीट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का गुजरात में? सीट भी बढ़ेगी, वोट भी बढ़ेगा, सब चीज आप देखना, दो घंटे बाद बात करते हैं। तो रघु शर्मा और मुकुल वासनिक का कहना है, कांग्रेस ऑफिस जहां पे इस वक्त पे हम मौजूद है अहमदाबाद में, कि जो अर्ली ट्रेंड्स है, जो रुझान है अब तक और जो एग्जिट पोल्स है, सभी गलत है, कांग्रेस एक चौंकाने वाला रिजल्ट दे देगा। देखते हैं वो होता है कि नहीं, पर इस वक्त कांग्रेस लीडर्स अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं स्क्रीन पे और रुझान देख रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं कि अभी एक घंटे बाद हमसे बात करिए, शॉकिंग रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। देखते हैं वो होता है कि नहीं। शॉकिंग चौंकाने वाले नतीजे पर इतना जोर दिया है। बड़ी बात है, आज के दिन रघु शर्मा और मुकुल वासनिक जैसा ब्रेव चेहरा बनाना मुझसे तो संभव नहीं है।